हलो स्केटर्स इनकी वो नम्बर स्केटर्स रोम मुख्य कोर्स पाकपर सो इनकी वो नम्बर नी स्ट्रेन और कोर्स पाकपर सो इत वीडियो स्किपा नाम कड़े वर पात इतर कोर्स वह कटर्स वो नी स्ट्रेन रे मुख्यमंत्री दय से कंपा और कोर्स वह कीड स्केटर्स वो अधिक रोड स्केटिंग पड़ी सो नी पेन वर् वाई रोलर हॉकी प्लेयर्स वो टैनिक्स ना ब्रेक्स वो ना उम्मी पेन वो वर्क कंपा वाई आर्टिस्टिक प्लेयर्स कंपा वर वाई एल रोलर स्पोर्ट्स नी पेन वह वर्द सहजों सो नी पेन वर्दा नमो लग वो नी वो नम भयंकर स्ट्रेन पड़ी वेको अब नी पेन वरा अब नम ईसा सरी से मुझे ओके और कोर्स वो नम्बर पड़पुद सो दय से वीडियो वो स्किपन कड़स वर पात और कोर्स एलें कंपा वो यूस्फुल वीडियो को मारे नम चल नहीं सब्सक्रेबा उड़न सब्सक्रेबिकों कूड़े और बिलेकान क्लिक पड़ी थैंक यू फर्स्ट वर्कउट वॉल सीट वर्कउट वो नीस वो भयंकर स्ट्रेन आगे सो नहीं वो सिटिंग उदे उ ना फील आगे उंग नीस वो स्ट्रेन आगे फील वो ना नेक्स्ट वो नी स्ट्रेन आगे मुख्य वर्कउट इन वन लेग स्क्वाड वर्कउट नम्बर नया पड़ो इतना स्केटिंग पोजिशन वर्न नहीं कंपा पड़ी वर्कउट रे मुख्य वर्कउट याद वर्कउट ट्रे पड़ी अब वर्कउट वो कंपा ट्रे पड़ी पांग रे यूस्फुला वर्कउट नी स्ट्रेन सो वर्कउट वो नहीं सैडांग पाको नीस वो एंक वो की इो अंदर वो नहीं पड़नों रे सूपरान वर्कउट नी स्ट्रेन नेक्स्ट वो टू वे लंचस् बैक अंड फ्रंट रे सैडमे वो नम्बर लंचस् वो पड़नों नी स्ट्रेन वर्कउट वो लंचस् वर्कउट वो इंटरमिया उन्ना कड़े सो स्केटर्स वो कंपा लंचस् वर्कउट ट्रे पड़ी सो वो ना फुल एफिशियो ना ट्रे पड़ी पांग फील पड़ूंग नहीं वो सूमा साधारण यदो वर्कउट पड़ोमे अब नहीं पड़े वो वर्कउटे वह फील पड़ेंगे वो वर्कउटू एं मसिल वो करेक्टा स्ट्रेचा एं मसिल वो करेक्टा स्ट्रेन आगे वो फील पड़ी अब एफक्ट वो वे लेवल सो दय से फील पड़ी पांग मसल नेक्स्ट वो हई नी लैटरल लंच वर्कउट नम्बर ना पड़ो सो इमे वो इतमी नीस वो ना रईस पड़े मारे लग वो स्ट्रेच पड़ी उमो बाडी वेट वो नीस वो वो वर्कउटे वह नी स्ट्रेन वह रे मुख्य वर्कउट सो स्केटर्स वो कंपा इन वर्कउट ट्रे पो ना कुछ वर्कउट्स ना यारे ट्रे पड़ी अब दय से प्राक्टी पड़ी पांग एलिया वर्कउटा सो स्केटर्स वह नी पेन वराम इतमी वर्कउट वो नम्बर तक नी वो ना स्ट्रेन सो नमुक नी पेन वादी वर्कउट पड़े नम्बर ईसिया सरी सरी से मुझे नेक्स्ट वो चेर स्क्वाड चेर ना इतमी पोट वो ना वर्कउट पड़े उंगल्ट वो चेरचना चेर वो मारे उ मेवी मेवा उटे मेवरीण उ फुल मसल वो लेग मसल फुला वो ना फील पड़ेंगे इतक वह ना वो नीस वो स्ट्रेन आगे सो नीस स्ट्रेन आगे वो ना उीस वो मैंड वे ना फील पड़ी वर्कउट वो ट्रे पड़ी पांग नेक्स्ट वो वन लेग बल्गेरियन डेथ लिफ्ट सो इत वो वर्कउट वो कुछ वन लेग बैलेंस पड़े कुछ कष्टि इनिशियल स्टेज वो नहीं प्राक्टी पड़ पड़ रे ईसिया स्टेबिलिटी लेवल वो ना इम्प्रूव आगे उन्ीस वो भयंकर स्ट्रेन आगे सो स्केटर्स वो मेरी वर्कउट वो
தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி நீஸை வந்து மெதுவாக மேலே லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு காலை வந்து பின்னாடி ஃபுல் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து டோ பண்ணி பேக்கில் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கீழே வந்து கை வந்து தரையில் வந்து டச் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ நான் கொடுத்துருக்க எல்லா ஒர்க் அவுட்ஸுமே வந்துட்டு குறைஞ்சது ஒரு 20 கவுண்ட்ஸாச்சும் பண்ணணும். வால் ஷீட் இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்லாம் வந்துட்டு ஒரு 1 மினிட் முறைய நீங்கள் ஹோல்டிங்கில் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு 20 கவுண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான ஒர்க் அவுட், உங்களோட லெக் ஸ்டெபிலிட்டி அண்டு நீஸ் ஸ்ட்ரென்த்தனுக்கு இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதே ஒர்க் அவுட்டை சைட் ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீஸை வந்து ஃப்ரெண்டில் நல்லா ரைஸ் பண்ணிவிட்டு பேக்கில் நல்லா கிக் பண்ணி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் உங்களோட நீஸை வந்துட்டு. இதில் வந்து நீங்கள் எந்த லெக் வந்து ஊண்டிருக்கீங்களோ அந்த லெக்கில் வந்து நீஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிட்ஜ் நீஸ் ரைஸ். இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் பொசிஷனில் வந்துட்டு நம்ம ஹிப்பை வந்து தூக்கிட்டு உங்கள் நீஸை வந்து மெதுவாக வந்துட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மெதுவாக மடக்கணும். ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், கண்டிப்பாக இதையும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களோட ஹாம்ஸ் நீ மசிலும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும், உங்களோட க்ளூட் மசிலும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும், அதே சமயத்தில் உங்களோட நீஸும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும். இதெல்லாம் வந்துட்டு நீஸ் பெயின் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்பவே சூப்பரான ஒர்க் அவுட்டுங்க வஜ்ராசனம். ஸோ வஜ்ராசனம் யாரும் ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு 3 மினிட் வரைய கண்டிப்பாக நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உன் நீஸ் வந்து வேறு லெவலாக ஸ்ட்ரென்த்தனாகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நீல் டவுனில் வந்து நீல் டவுன் பண்ணிவிட்டு ஒரு லெக் மட்டும் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரி கேட்ச் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். ஸோ நீஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தனாகிறதுக்கு இந்த ஒர்க் அவுட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.